चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त चूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। बहुत समय पहले की बात है, सुंदरबन जंगल में पीपल के पेड़ पर एक जिनी तोती चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चे समर और अमर तोते चिड़े के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। जिनी चिड़िया के पति का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था, इसीलिए जिनी चिड़िया अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन सवेरे, समर पुत्र, मैं जंगल के पक्षियों के साथ सैर पर जा रही हूँ, तुम अपने भाई अमर का अच्छे से ध्यान रखना। माँ, हम भी आपके साथ सैर करने चल रहे हैं। नहीं बच्चों, वहाँ बहुत सारे पक्षी रहेंगे, लेकिन तुम्हारा हम उम्र वहाँ कोई नहीं रहेगा, इसलिए तुम लोगों का वहाँ पर मन नहीं लगेगा। माँ, हम उस पहाड़ी वाले इलाके में सैर करने के लिए चलते हैं ना, आप अन्य पक्षियों के साथ फिर कभी चले जाना। अच्छा ठीक है पुत्र, आज हम तीनों उस पहाड़ पर ही जाते हैं। जिनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पहाड़ वाले इलाके में चली जाती है। वहाँ तीनों घास पर दाना चुगने लगते हैं। तभी जिनी तोती अपने बच्चों से कहती है, दाना चुगने के चक्कर में इधर उधर मत चले जाना, बच्चों तुम लोग मेरे साथ ही रहना। तभी उन पर उड़कर जाते हुए बाज की नजर पड़ती है। ये देख कर बाज कहने लगता है, अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बच्चों मेरे पीछे रहो, बाज अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो याद रखना। मैं कहे हाथ लगा रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे बच्चों की तारीफ कर रहा हूँ, इन्हें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा अपना भोजन ही बनाऊंगा। बच्चे और जिनी चिड़िया बहुत घबरा जाते हैं। बच्चों तुम यहाँ से उठकर अपने घोंसले में चले जाओ, मैं इस बाज को देखती हूँ। बच्चे उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जंगल में चले जाते हैं। तभी वो बाज जिनी चिड़िया पर हमला कर देता है। काफी समय तक दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार जिनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है और वो बाज जिनी चिड़िया को खा जाता है। इधर दोनों बच्चे अपने घोंसले में आ जाते हैं। अमर, अब तक माँ आई क्यों नहीं? उस बाज ने माँ को कुछ किया तो नहीं ना? समर तुम यहीं रुको, मैं अभी जाके माँ को देख के आता हूँ। तभी लोनी कौवा दोनों बच्चों के पास आता है। अरे बच्चों, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? हमारी माँ उस पहाड़ी इलाके में एक बाज से लड़ रही है, हम अपनी माँ को देखने ही वहाँ जा रहे हैं। वो बाज तो बहुत खतरनाक है, तुम लोग वहाँ पर मत जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, शायद तुम्हारी माँ आ जाए। दोनों बच्चे घोंसले में बैठे अपनी माँ की आने की राह देख रहे थे, पर जिनी चिड़िया को तो उस राक्षस बाज ने मार दिया था। बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। दोनों बच्चे फूट फूट कर आंसू निकाले रोते जा रहे थे। तभी वो राक्षस बाज वहाँ आ जाता है, जिसे देख कर लोनी कौवा गुस्से में कहता है, बाज इन बच्चों को कुछ मत करना। अच्छा, अब तुम ही बचे थे मुझे रोकने वाले, मेरे शिकार के बीच में मत आओ कौवे, वरना बेमौत मारे जाओगे। ये बाज तो बहुत खतरनाक है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भाग चलूँ। लोनी कौवा बाज से डर कर वहाँ से चला जाता है। अमर अब हम क्या करेंगे, ये बाज तो हमें मार देगा। ये माँ कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई? उस समय तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, अब कौन बचाएगा तुम दोनों को? बाज जैसे ही अमर समर पर हमला करता है, तभी जिनी चिड़िया की आत्मा प्रकट होती है और पीछे से बाज को पकड़कर पटक देती है। अरे अरे कौन है? ओ माँ, पूरी कमर तोड़ दिया रे। माँ गई, बाज अब तो तेरी खैर नहीं। ये कैसे हो सकता है, इस चिड़िया को तो मैंने मार कर खुद खा गया था, फिर जिंदा कैसे हो गई? अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाज, बच्चों के लिए उनके माता पिता मरकर भी जीवित रहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारकर मेरे बच्चों को भी मार दोगे? जिनी चिड़िया मर चुकी थी, ये उसकी आत्मा थी जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वापस आ गई थी। जिनी चिड़िया बाज को उठा उठा कर पटकने लगती है। बाज पूरी तरह से लहू लुहान हो जाता है। ओए माँ, क्या धुलाई की रे इस चिड़िया ने, अरे बाप रे, बड़ी जोर से मारा रे, पूरी हड्डी पसली तोड़ दी रे इस चिड़िया ने तो। इस जिनी चिड़िया को सबक सिखाना ही होगा अब।
आज रात अंधेरा होने के बाद उसके बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। माँ आप कहाँ चली गई थी, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। माँ आपने उस बाज को अच्छा सबक सिखाया, वो बाज कैसे तुम लगा कर भाग गया। तभी जिनी तोती मन ही मन सोचने लगती है, मैं कैसे अपने बच्चों को बताऊं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं तो एक आत्मा हूँ। अगर मैंने ये बात अपने नन्हे नन्हे बच्चों को बताई तो मेरे बच्चे बड़े दुखी हो जाएंगे, वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर देंगे। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं ऐसे ही उनकी परवरिश करूंगी। बच्चों तुम चिंता ना करो, वो बाज अब दोबारा कभी नहीं आएगा। जिनी चिड़िया मरने के बाद भी अपने बच्चों की परवरिश करने लगी, उन्हें दाना लाकर खिलाने लगी। एक रात के समय जिनी चिड़िया के दोनों बच्चे अपने घोंसले में सोए हुए थे, तभी वो राक्षस बाज वहाँ प्रकट होता है। अरे वाह, ये बहुत ही सुनहरा मौका है इन बच्चों को अपना शिकार बनाने का, चलो आज इनको खत्म ही कर देता हूँ। बाज चिड़ियों के बच्चों के पास जाता है, दोनों बच्चे सोए हुए थे। बाज जैसे ही बच्चों पर हमला करता है, तभी जिनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आकर बाज को एक जोरदार धक्का देती है। आज तो इस बाज का खेल खत्म करना ही होगा। बाज गुस्से से उठता है और अमर चिड़ी को अपने पंजों से पकड़कर उसे उठाकर तेजी से लेकर भागने लगता है। माँ बचाओ मुझे माँ। जिनी चिड़िया तेजी से बाज के पीछे भागती है, बाज अपने पहाड़ी इलाके में चला जाता है। वो अमर चिड़ी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। बाज मेरे पुत्र को कुछ मत करना, उसे छोड़ दो। वहीं रुक जाओ चिड़िया, अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं तुम्हारे पुत्र को यहीं जान से मार दूंगा, पीछे हट जा। माँ मुझे बचाइए, मुझे बहुत तकलीफ आ रही है, मुझे बचा लो माँ। बाज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दो। यही तो मुझे देखना था तुम्हारे अंदर, इस तरह तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाता देखना चाहता था मैं। मुझे बाज को बातों में उजागर रखना होगा और मौका देखकर उसे एक जोरदार झटका मारना होगा, ताकि वो सीधा इस गड्ढे में गिर जाए और मैं अपने पुत्र को बचा लूं। जिनी चिड़िया धीरे धीरे बाज की ओर बढ़ने लगती है, उससे बहस करके उसके आगे बढ़ती जाती है। तभी जिनी चिड़िया बाज को एक और धक्का मारती है, तभी बाज सीधा एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिर जाता है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। पुत्र अमर तुम ठीक तो हो ना, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिनी चिड़िया अमर चिड़ी को उठाकर अपने घोंसले में लेकर आ जाती और एक मरी हुई माँ आत्मा बनकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है, उनकी देखभाल करने लगती है। पर उसने अपने बच्चों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उनकी माँ मर चुकी है। जंगल के सारे पक्षी जब ये नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। एक माँ का अपनी संतान के प्रति ऐसा प्यार केवल एक माँ ही कर सकती है। इसी तरह एक चिड़िया मरने के बाद भी अपने बच्चों की रक्षा करने लगी।